नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। मुंगेर में सड़क हादसे में एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। तेज गति से आ रही मिनी हाइवा ने बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर तीर धनुष लेकर सड़क जाम कर दिया। साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर किसी तरह ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना जिले के हवेली खरगपुर थाना की है। 8:30 में फोन किया तुरंत थाना को, प्रशासन पहुंचे 9:30 के समथिंग। बताइए, अभी अगर वो दारू वाला पकड़ा जाता 2 मिनट में आ जाता प्रशासन। लेकिन अभी देखिए, इतना बड़ा मर्डर होने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद और प्रशासन 1 घंटा के बाद पहुंची है और बोलती क्या है। इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंगेर से हमारे संवाददाता गौरव। गौरव, क्या इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, जैसा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो है ड्राइवर को भाग निकला और खलासी को जो है तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो है काफी समय के बाद जो है जाम टूटा, जिससे कि जो है इंटरमीडिएट का जो छात्राएं थी उसको जो है काफी परेशानी हुई। लगभग 2 से 3 घंटे तक जाम लगा रहा। कई वाहनों का जो है शीशा तोड़ा गया, तोड़फोड़ किया गया। 2 सरकारी बसें थी उसको भी तोड़ा गया। उसके बाद जो है ये लोग अड़े थे सड़क पे सबको रख करके कि जब तक जो है अब मुआवजा एसपी और डीएम मौके पर नहीं पहुंचते हैं, मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक ये जाम को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन जो बाद में जो है अधिकारियों के द्वारा जो है मुआवजे का ऐलान किया गया। मुआवजा देने के बाद जो है संभावना दे करके फिर जो है जाम को हटाया गया। जी, मुआवजा देने की बात की जा रही है। मुआवजा जो दिया जा रहा है वो आखिर कब तक दिया जाएगा मृतक के परिजनों को, ऐसा कुछ सामने आया है? देखिए, ये इसका जो है प्रोसेस वो सरकारी प्रोसेस होता है। तत्काल जो है 10,000 रुपया देने का है तो उस समय वो दे दिया गया। लेकिन जो मुआवजे तो मौके पर 10,000 रुपए दिए गए, ऐसा होता है तो वो एक्सीडेंट में तो वो जो है प्रोसेस से वो दे दिया जाएगा, जैसा अधिकारियों के द्वारा बताया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।